एक लंबे समय से आज तक बिल्डिंग पर जो कार्रवाई चल रही थी उसी को लेकर एलडीए आपको बता दें कि ये बिल्डिंग गिराने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ था और वो ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अचानक वहां पर जो जो ऊपर की जो छत थी अचानक गिरी, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया और हड़कंप मचते ही तमाम जो स्थानीय लोग थे वो वहां पर पहुँच गए और हंगामा करने लगे। पहले तो ये तमाम ये अफवाह उड़ी कि उसके नीचे काफ़ी लोग दबे हुए हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं निकला। वहाँ पर तमाम जो आला अधिकारी पहुँचे हैं, जाँच पड़ताल उन्होंने की है, तो वहाँ पे किसी तरीके की कोई नुकसान होने की खबर नहीं। हाँ, यहाँ पर जो तमाम जो टीन के नीचे कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी उनके वहाँ पर क्षतिग्रस्त होने की बातें जरूर सामने आई हैं। वहाँ पर पहुँचे आला अधिकारी ने कहा कि यदि किसी तरीके का कोई पूरी जान नुकसान हुआ है तो उसके मुआवजा उसको मिलेगा, साथ ही इस पूरे मामले को लेकर जाँच की जाएगी। प्रक्रिया के चलते सामने वाले जितने भी मकान हैं लोग बता रहे हैं, इसमें कुछ लोग दबे हुए भी हैं, गाड़ी वाली नहीं, कोई व्यक्ति नहीं दबा है, किसी प्रकार का कोई दुर्घटना नहीं हुई। बाउंड्री वाल जब तोड़ते समय बाउंड्री वाल का कुछ हिस्सा जो कॉमन पैसेज है उस पे मलबा गिर गया था, उसमें एक दो गाड़ियाँ जो स्कूटी और मोटरसाइकिल दो गाड़ियाँ थी वो उनको क्षतिग्रस्त हुआ, उनको हम लोग देख रहे हैं। और उसमें जो वेंडर को दिया गया था कितनी सिक्योरिटी सेफ्टी उसे बरतनी थी हमारे लोग इससे, और उसमें जहाँ लैपसेस हुआ उसमें कार्रवाई की जाएगी और शेष जिनका नुकसान हुआ उसको मुआवजा। क्या मानते सर कहीं ना कहीं लापरवाही हुई इस मामले? अब उसमें जाँच कराएंगे और उसके बाद जो तथ्य पाए जाएंगे उसमें कार्रवाई।